हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ शबीना मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुमताज़ किचन विद शबीना। आज मैं बनाने जा रही हूँ किस तरह आप बड़ी दावत में या बड़ी पार्टी में आप सलाद को अरेंज करें और बहुत खुशनुमा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो यहाँ पे इस तरह की ट्रे लिया है मैंने, ये दो ट्रे है इस तरह की, आप कोई सी भी ट्रे ले लें। चीज़ें स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कुकम्बर लिया है, एक प्लेट लिट्टी उसका लीफ लिया है, यहाँ पे कैबेज, कैरेट, गाजर है, ये यहाँ पे मैंने लिया है, टमाटर है और यहाँ पे मूली है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लें। यहाँ पे मैंने लिया है नींबू, ये 6 अदद नींबू है, 6 को काट लिया मैंने, और यहाँ पे हरी मिर्च और हरा धनिया। यहाँ पे मैंने लिया है कैप्सिकम, ये रेड है, लाल शिमला मिर्च है, हरा और पीला, तीनों शिमला मिर्च इस तरह काट लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने गुलाब बनाया है और इसकी रेसिपी भी मैं बाद में डालूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो चलिए चीज़ों को साइड करती हूँ और इसको अरेंज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये ट्रे ली हूँ, इसमें बनाएंगे। यहाँ पे मैंने कैबेज लिया है, कैबेज को सबसे पहले हम इस तरह फैला देंगे ट्रे में। यहाँ पे इस तरह सारे कैबेज को फैला देंगे और हाथ से बराबर कर देंगे ताकि आपको आगे चीज़ें अरेंज करने में दिक्कत ना हो। इस तरह से फैला दिया। यहाँ पे मैंने कुकम्बर लिया है, कुकम्बर को इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे। मैं सारा कुकम्बर लगा लेती हूँ फिर आपसे। यहाँ पे मैंने सारे खीरे को लगा लिया है, हल्का हल्का सा एक पीक करके रखें ताकि ये नहीं खिसके, नहीं इस तरह का है। नेक्स्ट हम टमाटर रखेंगे, टमाटर का स्लाइस है, तरह से थोड़ा एक पेक करें ताकि चीजें भी ज्यादा आ जाए उस पे। यहाँ मैंने टमाटर का स्लाइस लगा दिया है इस तरह से, रख लेंगे। अब यहाँ पे आप रेड रखे हैं तो नेक्स्ट कुछ और होना चाहिए, यानी कलर आप चेंज कर लें। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे येलो कैप्सिकम यूज करूंगी, इसको भी एक दूसरे पे चढ़ाएं ताकि ये चीजें आपकी ट्री में ज्यादा आ पाए। चूंकि बड़ी दावत के लिए है, ज्यादा लोग होते हैं और इस तरह का अगर बना के आप डालते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है, आपका टेबल भी बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ पे रेड और येलो। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम को ऐड कर दूंगी।
ग्रीन कैप्सिकम मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे गाजर, यानी कलर आप चेंज करते जाएं, आप रेड के बाद येलो, ग्रीन, फिर एक डार्क कलर, इस तरह से। यहाँ पे गाजर है, मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ। और इसको एक एक दूसरे पे थोड़ा चढ़ा के रखेंगे ताकि चीज़ें आपकी ज़्यादा आ पाए। यहाँ पे यहाँ मैंने लिया है नींबू, हरा धनिया और हरी मिर्च, कुछ हरी मिर्चें इस तरह रख देंगे। कैप्सिकम में साथ रखेंगे ताकि ये निकल नहीं पाए। से रख दें, लेमन नींबू है, इसको भी रख देंगे हम। यहाँ पे इस तरह यहाँ पे मैंने नींबू भी रख दिया है, हरा धनिया, और इसको इसी तरह रहने देंगे, यानी इसको काटना नहीं है। अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको इस तरह एक खूबसूरत सा लुक देना है आपको, इस तरह डाल दें। इस तरह का यहाँ पे मैंने रोज लिया है, ये रोज है, इसको सेंटर में डाल देंगे, ये रोज है। यहाँ आप देख सकते हैं ये प्लेटर जो है, प्लेट तो नहीं बोलेंगे, प्लेटर है ये, सैलेड प्लेटर। और ये होटलों में जिस तरह देते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में बड़ी बड़ी दावत के लिए अरेंज किया जाता है वो है। यहाँ मैं इसको मूव करके दिखाऊंगी, ये आप देख सकते हैं, हर साइड से आप देखें। अब चूंकि ये बाहर जाना है, बाहर की दावत है, तो इसको मैं क्लिंग फ्लिंग से लपेट दूंगी। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा है, तो अकेले तो नहीं होगा, ये दो दो आदमी की मदद से होता है। तो इसको मैं अच्छे से क्लिंग फ्लिंग जो आता है रैप, उसकी मदद से इसको अच्छे से रैप कर दूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे हमने रैप कर दिया इसको, यानी एक आदमी की मदद से रैप किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इस तरह का दिख रहा है। अब ये मूव नहीं करेगा, ये आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगर बाहर की पार्टी हो, दावत हो, तो वहाँ पे भी आप लेके जा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये पूरा रैप हो चुका है। चलें अब, यानी ये फर्स्ट था, सेकंड हम इसमें बनाएंगे, तो चलें मैं सेकंड बना। यहाँ पे मैंने दूसरा ट्रे लिया है, एक एक प्लेट में मैंने कैबेज डाला था, यहाँ पे लेटी उसका लीव ले लेंगे। और इसको अच्छे से फैला देंगे और इनको हथेली की मदद से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि आपको चीज़ें अरेंज करने में दिक्कत ना हो। सारी रखूंगी, यहाँ पे फर्स्ट हम गाजर का एक लेयर लगा लेते हैं। मैं इसी तरह पूरे में लगा लूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ, चूंकि वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ मैंने सारे गाजर को अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पे
एक चीज यानी कलरफुल है, फिर अब ग्रीन लेंगे, ऑरेंज है तो ग्रीन, इसी तरह से खीरे को भी लगाएंगे। इस तरह मैं सारे खीरे लगा लेती हूँ। फिर अब यहाँ पे मैंने सारे खीरे राउंड राउंड शेप में लगा लिया है इस तरह से, यानी पूरे कंटिन्यू कर लें। आपका प्लेट जिस भी शेप का हो, राउंड हो, ये थोड़ा लीफ टाइप का है। यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है, इसको इस तरह लगा दें। यहाँ पे मैंने टमाटर लगा दिया है, ये कैप्सिकम है, ये लाल शिमला मिर्च है, इसको लगाएंगे। दूसरी साइड बस कुकम्बर, ख्याल रहे कि कुकम्बर थोड़ा सा दिखना चाहिए। यहाँ मैंने कैप्सिकम भी अरेंज कर लिया है इस तरह से, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ मैंने मूली लिया है, रेडिश है, और रेडिश जो है ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, और इसलिए मैंने कम लिया है। यहाँ पे रेडिश को अरेंज करेंगे। तरह से यहाँ पे मैंने रेडिश को अरेंज कर दिया है कुछ इस तरह का। ये धनिया, नींबू और मिर्ची है, नींबू रख देंगे। तरह से नींबू रख दिया मैंने। यहाँ पे हरी मिर्च को इस तरह से डाल देंगे। ये बड़ी वाली मिर्च है, लोग खाते हैं, इसमें कहीं तीखा नहीं होता। टॉप पे डाल दें इस तरह से कैप्सिकम में फंसा के, ताकि ये मूव ना कर पाए। हरा धनिया ये ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने ये जो रोल बनाया है, ये इस तरह का दिखता है, देख सकते हैं इस तरह का है। तो ये सेंटर में आप जगह बना लें और यहाँ पे रोल को रख दें। अब मैं दिखा दूंगी आपको इस लुक, आखिरी लुक, कि ये किस तरह का बना है। हर साइड की देखें, इस तरह का है। चलिए अब इसको रैप करके, इसको भी रैप करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इनको रैप कर दिया है, इस तरह का लग रहा है ये। अब आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, ये इस तरह का बहुत खूबसूरत होता है। और चलिए अब दोनों को फाइनल, ये है हमारा सलाद प्लेटर का, सैलेड प्लेटर का फाइनल लुक, आप इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे ये है, और दूसरा जो मैंने बनाया है वो यहाँ पे है। ये टेबल पे आप रखेंगे, यानी खाने के साथ,
तो शानदार लगता है, बहुत अच्छा लगता है, माहौल जो है वो खुशनुमा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड में। चलें, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।